नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं किताबों से जुड़ी हुई कुछ मजेदार बात। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुटेनबर्ग बाइबल को दुनिया की पहली प्रकाशित पुस्तक माना जाता है, जो 1453 में प्रकाशित हुई। दुनिया का पहला आधुनिक उपन्यास 11वीं शताब्दी में लिखे गए द टेल ऑफ गेंजी को माना जाता है, जिसे जापानी उपन्यासकार मुरासाकी सिकिबू ने लिखा। आश्चर्य की बात यह है कि इस उपन्यास में किसी भी पात्र का कोई भी नाम नहीं था, क्योंकि जापान की कोर्ट कल्चर में किसी का भी नाम लेना असभ्य माना जाता था। टाइपराइटर द्वारा लिखी गई पहली किताब मार्क ट्वेन की लाइफ ऑन द मिसिसिपी को माना जाता है, जो कि 1882 में छपी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा उपन्यास रिमेम्बरेंस ऑफ द थिंग्स पास्ट है, जिसे मार्सेल प्रूस्ट द्वारा लिखा गया है। इसमें 96,09,000 अक्षर। दुनिया की सबसे महंगी किताब लियोनार्डो द विंची की कोडेक्स लिसिस्टर है, जिसे बिल गेट्स ने 1994 में $30.8 मिलियन में खरीदा था। आज के समय में यह कीमत बहुत अधिक है। दुनिया के सबसे लंबे शीर्षक वाली पुस्तक भारत के लेखक वीतला यतीन्द्र की द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट है। इसके शीर्षक में 3700 से अधिक शब्द है। इसका शीर्षक इतना लंबा है कि हम उसका पूरा नाम यहाँ नहीं बता सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी भी साहित्य में अब तक का सबसे लंबा वाक्य विक्टर ह्यूगो का है। लेस मिसरेबल नाम की उनकी पुस्तक में एक वाक्य है, जो कि लगभग 823 शब्द लंबा है। दुनिया की सबसे लंबी ऑडियो बुक जापान में 2018 में प्रकाशित हुई, जिसमें जापान के प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक ताकाकी योशिमोतो के व्याख्यान है, जिसका टोटल रन टाइम 115 घंटे और 43 मिनट है। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्लीज दबा दीजिए। मैं नीरज मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलने के लिए नमस्कार।